नमस्कार, वनकम, वेलकम टू दलिंदास किचन। आज फिर से एक आलू की यम्मी डिलिशियस रेसिपी आपके सामने हम लेके आए हैं, जो कि है क्रिस्पी आलू कतली। तो ये बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर जैसा कि मैं हर रेसिपी बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ, वैसे ही ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है। तो फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। क्रिस्पी आलू कतली बनाने के लिए आप लेंगे आलू 4 से 5 और धनिया पत्ता थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, राई और जीरा, साथ ही साथ लेंगे कुछ मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला। सारे मसाले आप 1 से 1.5 चम्मच लेंगे और चिली फ्लेक्स लेंगे, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो यूज़ करें, नहीं है तो ना यूज़ करें। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए हैं 4 से 5 आलू और हम इसे अब छील लेंगे। इसे अच्छे से छीले, कोई भी छिलका ना छोड़े इसके ऊपर। देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से सारे आलू छील लें। और अब मैं इसको पानी में डाल रही हूं ताकि ये काले ना हो। अब हम इसे कट करेंगे बिल्कुल इस प्रकार से, गोल गोल शेप देते हुए। लंबा ना काटे, इस प्रकार से कट करें सारे आलूओं को। देखिए, इतनी थिकनेस रखनी है, ज़्यादा मोटा नहीं करना, ज़्यादा पतला नहीं करना। ये मैंने सारे आलू काट लिए हैं, इनकी थिकनेस इससे ज़्यादा ना हो ना ज़्यादा पतली हो, पतले टूट जाएंगे और जो ज़्यादा थिकनेस वाले रहेंगे वो कच्चे रह जाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, इसको गर्म होने दें, उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही साथ डालेंगे 1/2 चम्मच राई। अब हल्का चटकने के बाद अब हम आलू डाल देंगे। मैंने इसमें सारे आलू डाल दिए हैं। देखिए, अगर आपको ज़्यादा आलू चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये सारे आलू को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते रहें, जलाए ना। अब इस पे नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम आप लो ही रखेंगे अभी। अब इसमें हम मिलाएंगे चावल का आटा, इससे ये अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। और इसे 2 मिनट के लिए भूंज लेंगे। देखिए, फ्लेम आप लो ही रखें इस वक्त और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, काली मिर्च
गरम मसाला, अब इनको हम मिला लेंगे। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे जो कि ऑप्शनल है। इसे अभी भून रही हूँ, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद इसमें हम धनिया डाल देंगे। इसे चलाएं थोड़ा देर। देखिए आलू हमारे पक जाने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो टूथपिक से चेक कर सकते हैं या हल्का हाथ पे लेके इसे खा के देख सकते हैं। देखिए अभी मेरे आलू नहीं हुए हैं, तो 5 मिनट तक इसे मैं रख रही हूँ फ्लेम पर और मिलाते रहे, नहीं तो आपके आलू जल जाएंगे। और अब हमारे क्रिस्पी आलू कतली बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इन्हें सर्व करती हूँ एक प्लेट में। इस तरह से मैंने सारे आलू कतली निकाल लिए हैं इसमें, और ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है इस वक्त और काफ़ी यम्मी दिख रहा है। इसके ऊपर आप धनिया डाल के गार्निश करके इसे सर्व करें और फिर इसे खाएं, इसका आनंद लें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लिंदास किचन। डू ट्राई दिस रेसिपी और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।